हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि आप अपने डेटाबेस को लोड होने के बाद में चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ कनेक्टेड और नॉट। तो हमने इसे यहीं पे छोड़ दिया था। आज हम ये सीखने वाले हैं कि अपने डेटाबेस को अगर आप किसी डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल जैसे किसी कंट्रोल पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो कैसे कराएँगे। तो सबसे पहला काम कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नाम का डेटाबेस था हम उसे वापस करेक्ट कर लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं और इसे प्ले करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली चल रहा था। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में सीखा। ओके, अब हमें क्या करना है, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल लेके आना है अपने फॉर्म में और यहाँ पे जिसका ज़रूरत नहीं है उसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, स्टार्ट पेज और जो भी इधर से। यहाँ पर एक डेटा ग्रिड व्यू लाने के लिए आप यहाँ से डेटा नाम के इस टैब में जाएँ और यहाँ से डेटा ग्रिड व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करें या फिर डबल क्लिक करके आप ले आएँ। ध्यान रहे हम इसे विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं बट हम इसे कोड के थ्रू परफॉर्म करेंगे। तो जो हमारा डेटाबेस है उसमें हमने दो रिकॉर्ड्स लिखे थे, अतहर और रमेश नाम के। उसे लोड करने के लिए मैं यहाँ पे एक कमांड बटन लेके आ रहा हूँ। कमांड बटन में हम इसे नाम लिख देते हैं कुछ अच्छा सा, तो इसकी नाम हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर देते हैं जैसे कि लोड डेटा। तो लोड डेटा नाम का बटन मैंने यहाँ पर बना दिया है, इसे मैं इस तरफ अलाइन कर देता हूँ और फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करके इस ग्रिड व्यू को थोड़ा सा शेप दे देते हैं ताकि हमारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख सकें। वैसे स्क्रॉल बार वगैरह यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है। तो इस लोड डेटा बटन पे जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसका जो क्लिक इवेंट है वो फायर होगा और इस क्लिक इवेंट में ही मुझे सारे कोडिंग्स लिखने हैं। तो लोड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए समझना शुरू करते हैं। तो समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पर कोड अप क्लिक कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहला जो हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, इसमें एक स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट है SQL, देन जो कनेक्शन है OLADB कमांड का। ये डेटाबेस में कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम CMD नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि हम सभी कमांड्स को मैनुअली दे सकें। जैसे कि यहाँ पे कमांड एक देख रहे हैं आप, ये एक DDL कमांड है, सॉरी एक DML कमांड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट हमारे टेबल का नाम है, तो इस कमांड को स्ट्रिंग में लोड करने के लिए और इस कमांड को यूज़ करने के लिए OLADB कमांड हमने लिया है। फिर डेटा टेबल जो होती है, इस डेटा टेबल हमारी जो डेटाबेस की टेबल है उसे कनेक्ट करने के लिए और उसके डेटा को फेच करने के लिए। और लास्ट में आता है जो एडाप्टर है, मतलब जो उसको रिसीव करेगा, जो हमारा जो कंट्रोल हमने यूज़ किया है ग्रिड व्यू कंट्रोल, उसमें इस डेटाबेस को लोड करने के लिए हमने यहाँ पे DA नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। तो कुल चार ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, SQL, CMD, DT और DA। उसके बाद में सबसे पहला काम, ऑलरेडी हमारा जो कनेक्शन है वो ओपन है बट फिर भी अगर मान लीजिए आप उस कोड को वहाँ से हटा देते हैं तो हम यहाँ पे कनेक्शन डॉट ओपन नाम का फिर से हम उस कनेक्शन को वहाँ पे क्लोज़ भी कर देते हैं जो हमारा लोड इवेंट था वहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फाइनली क्या करें, कनेक्शन को क्लोज़ कर दे रहे हैं। तो लोड होने के बाद हमारा कनेक्शन तो क्लोज़ हो जाएगा और चूँकि सक्सेसफुली लोड हो चुका है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस कनेक्शन को फिर से यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कोड लिखा है कि कनेक्शन डॉट ओपन, फिर हम स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, स्ट्रिंग टेक्स्ट की तरह ये काम करेगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे और ये जो क्वेरी है जो हम SQL क्वेरी दे रहे हैं इसे हम SQL नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, सिंपल सा, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, जस्ट हम एक यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते थे बट हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट क्वेरी लिखी जाती है SQL में उस क्वेरी को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। उसके बाद में फिर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कनेक्शन है CMD.connection उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कौन। अब ये जो कौन है ये आपको याद होगा, जो पब्लिक क्लास में हमने जो कनेक्शन डिक्लेयर किया था वो कनेक्शन हम इसको प्रोवाइड करा दे रहे हैं CMD.connection में। उसी तरीके से जो हमारा कमांड टेक्स्ट है, मतलब हमने कमांड क्या दिया, मैंने आपको बताया था कि कमांड देने के लिए हम यहाँ पर OLADB कमांड का यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो भी हमारा कमांड है उसको हम SQL को असाइन कर दे रहे हैं। तो हमारा SQL की वैल्यू क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चूँकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं बट स्ट्रिंग देने से क्या होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक और क्लियर दिख रहा है कि SQL जो है उसमें क्या स्टोर्ड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। तो ये कमांड जो है इसमें पास हो जाएगा। फिर ये जो डेटा अडाप्टर है इसमें ये कमांड को सेलेक्ट कर रहा है कि इसे करना क्या है। तो देखिए CMD में क्या लिखा हुआ है, CMD में जो हमारा डेटाबेस का कमांड है उसको ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा और लास्ट में हम उसी डेटा अडाप्टर में जो हमारा DT है, जो डेटाबेस टेबल है, उसके पूरे कंटेंट्स को हम क्या करा दे रहे हैं, फिल करा दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे फिल करा रहे हैं, डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स के अंदर में। तो DT जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसमें पूरा का पूरा डेटा लोड हो चुका है इस फिल का मेथड के थ्रू और डेटा ग्रिड व्यू में ये चीज़ लोड हो जाएगी जाके।
तो इस पूरे के पूरे कोडिंग में अगर किसी भी तरीके का कोई एरर मैसेज आता है तो हमारे पास में एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्राई कैच का इस्तेमाल किया है। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो फाइनली हम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्लोज कर देंगे। तो इट्स टाइम टू रन। और ये आज का हमारा जो दूसरा पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि हम यहाँ पे केवल एक कंट्रोल में हम डेटाबेस को कैसे लोड करेंगे वो सीखेंगे। तो ये डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली मैसेज आने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लोड डेटा बटन आ रहा है। मैं इसमें जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डेटा ग्रिड कंट्रोल है, जिसमें मैंने जो लास्ट लेक्चर पे जो रिकॉर्ड्स बनाए थे वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये दूसरा लेक्चर भी पसंद आया होगा। इसकी कोडिंग के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे देख सकते हैं, जो इसके कोडिंग है उसे आप कॉपी कर सकते हैं चाहे तो, मैं उसे पेस्ट कर दिया है। और इसी तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि हम इसमें अब जो कमांड बटन्स हैं, जैसे सेव है, अपडेट है, डिलीट है, ऐड डेटा, रिमूव डेटा, वो कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो पार्ट 3 का वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरीके से आसानी से मैं आपको सिखाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।